नमस्कार, मैं हूं देवांशी मित्रा। ड्रग्स केस में अपने बेटे आर्यन खान के अरेस्ट होने के बाद किंग खान शाहरुख को न केवल पर्सनल लाइफ में बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी काफी कुछ झेलना पड़ा। उन्हें न सिर्फ ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा बल्कि उनके हाथ से कई कंपनियों के विज्ञापन भी चले गए। ऐसी ही एक कंपनी बायजूस है जिसने इस ड्रग विवाद के चलते शाहरुख के सभी विज्ञापनों पर रोक लगा दी थी। इसके बाद शाहरुख खान को कई बड़े स्टार्स से समर्थन मिला था। शाहरुख को सपोर्ट करने वाले स्टार्स में अली फजल, नकुल मेहता, अंजना सुखानी और फराह खान अली समेत कई लोग शामिल थे। सबने एक साथ यही कहा कि शाहरुख खान को अपने विज्ञापन से हटाने में खुद कंपनी का ही घाटा, न कि शाहरुख खान का। इन स्टार्स के अलावा फैंस ने भी सोशल मीडिया पर कंपनी की क्लास लगाई और अब लग रहा है कि इन सब से कंपनी को काफी फर्क पड़ा। बुधवार को हुए कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के मैच के दौरान टीवी पर शाहरुख के बायजूस वाले विज्ञापन आने लगे। इसके बाद सोशल मीडिया पर शाहरुख खान ट्रेंड करने लगे, जिसके बाद ट्विटर पर फैंस के रिएक्शंस भी आने लगे। एक यूजर ने ट्वीट कर लिखा, जस्ट सॉ बायजूस एड फीचरिंग SRK, सो SRK इज बैक। वही एक दूसरे यूजर ने लिखा, 2 मिनट साइलेंस फॉर हेटर्स बायजूस। इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा, After a week of backlash, Byju's has started advertisements featuring SRK. वहीं एक और यूजर ने लिखा, Byju's SRK ads back on TV. आपको बता दें कि शाहरुख खान के विज्ञापन बंद करने के कारण कंपनी को लोगों ने जमकर ट्रोल किया था। उसी ट्रोलिंग के चलते सभी एड वापस आ गए। वहीं अगर बात आर्यन खान केस की करें तो आर्यन की बेल पर गुरुवार को सुनवाई हो रही और उससे पहले आर्यन का कोविड टेस्ट किया गया जो कि नेगेटिव आया। केस नेगेटिव आने के बाद आर्यन को आर्थर रोड जेल के आम सेल में शिफ्ट कर दिया गया। पहले वो क्वारंटीन सेल में थे। वैसे आपको क्या लगता है, बायजूस का एड वापस लाने का फैसला सही है या गलत, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।